ओम नमः शिवाय। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि सुबह 7:15 तक लगी रहेगी, तत्पश्चात तृतीया तिथि लग जाएगी। चंद्रमा आज अनुराधा नक्षत्र में शाम 5:30 तक चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी शनि देव हैं और चंद्रमा वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातक दृढ़ निश्चयी, उत्साही, धैर्यवान, यात्रा प्रिय होते हैं, गुप्त कार्यों में विशेष निपुण होते हैं, तकनीकी और वैज्ञानिक कार्यों में रुचि रखने वाले, पुलिस विभाग और रक्षा विभाग में सेवा करने के लिए उपयुक्त होते हैं। प्रतिशोध की भावना इनके अंदर लंबे समय तक बनी रहती है, आस्थावादी और धार्मिक भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, शनि और मंगल की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। मेष राशि के जातकों के लिए कार्यों में संघर्ष की स्थिति और आत्मविश्वास में कमी संभावित है। मन में नकारात्मक विचारों का आना और स्वास्थ्य के प्रति असंतुष्टि महसूस हो सकती है, मगर कार्य योजनाओं में भागीदारी सफल रहेगी और आर्थिक मामलों में सफलता मिलती जाएगी। संबंधित मामलों में यात्रा भी संभावित है और विरोधियों की वजह से अनावश्यक व्यय भी हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में अनुकूलता मिलेगी, मगर पारिवारिक सुख चयन में कमी महसूस करेंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वृष राशि वाले जातकों को मन मुताबिक आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी। कार्यों की अधिकता और नए प्रस्तावों के सामने आने का संकेत मिलता है। साझेदारी के काम आज के लिए लाभदायक रहेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों से सहयोग मिलता रहेगा। घर गृहस्थी संबंधी संसाधनों पर खर्च की मानसिकता और सरकारी मामलों में व्यय की स्थिति संभावित है, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी विशेष तौर पर रखनी चाहिए, साथ ही पत्नी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के विकास और नई कार्य योजनाओं के विस्तार का योग चल रहा है और रचनात्मक सक्रियता कार्य योजनाओं को सफल बनाने में सक्षम होगी। साझेदारी सफल रहेगी। ईश्वरीय प्रेरणा और प्रशासनिक सहयोग जारी रहेगा। आर्थिक पक्ष में अचानक लाभ संभावित है। रुका हुआ धन भी वापस मिल सकता है और रुकी हुई योजनाएं पुनर्जीवित हो सकती हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, मगर मन में नकारात्मक विचारों का दौर और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत मिलता है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र का विकास और आर्थिक लाभ में सहयोग मिलता रहेगा। आपकी कार्य योजनाएं सकारात्मक रूप से चलती रहेंगी। अधिकारियों के उचित दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। चंद्रमा के नीच राशि में होने से आपके ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव बना रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। साझेदारी के काम आज के लिए उचित नहीं होंगे। विरोधी पक्ष के दखलंदाजी से सुख चयन में कमी आएगी और स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी रखनी होगी। साथ में वाहन सावधानी से चलाएं। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र से उत्साह और मन मुताबिक आर्थिक लाभ बना रहेगा। रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे और निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आपके मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य क्षेत्र के विस्तार में मदद मिलेगी। अधिकारियों की प्रेरणा और कार्य क्षेत्र में सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलता जाएगा। नवीन रिश्ते की बुनियाद मजबूत होगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कन्या राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में विस्तार का मौका मिलेगा। अपने बुद्धि कौशल और दृढ़ इच्छा शक्ति से कई प्रस्ताव अपने पक्ष में कर सकते हैं। साझेदारी के प्रस्ताव भी लाभदायक सिद्ध होंगे। मित्रों और सहयोगियों से भी लाभ संभव है, मगर मन में नकारात्मक भाव ना आने दें। कुछ कामों में अवरोध संभावित है, मगर आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। बच्चों से संबंधित मामलों में चिंता लगी रहेगी और अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। तुला राशि के जातकों को वाणी में संयम और विचारों में सुधार की प्रेरणा मिलेगी। आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे और ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी। अपनी कार्य योजनाओं को सुचारू ढंग से पूरा करने में सहयोग मिलेगा।
आर्थिक लाभ मेहनत के अनुसार मिलता जाएगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक लेन देन में सावधानी रखें और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें। शासन सत्ता व राजनीतिक व्यक्तियों से सहयोग मिलेगा और सामाजिक मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी आपको रखनी चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। चली आ रही रुकावटें खत्म होंगी और रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र की योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी, मगर मन में उठ रहे नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करना जरूरी होगा। धैर्य और संयम से काम लेते हुए प्रयास जारी रखें। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। मित्रों व सहयोगियों से भी लाभ संभव है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि के जातकों के बढ़े हुए आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का लाभ कार्य क्षेत्र के निरंतर प्रगति में सहायक होगा और निरंतरता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। धन खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए नए आर्थिक मार्ग का सृजन संभव है। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में यात्रा का योग बनता है और नए कार्य योजनाओं के विस्तार में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। मकर राशि के जातकों को तात्कालिक भावावेश को नियंत्रित रखना चाहिए। शनि मंगल का योग आपके 12वें घर में और निचस्थ चंद्रमा 11वें घर में चल रहे हैं, जो कि सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से मानसिक सोच को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। कार्य क्षेत्र में रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। पारिवारिक सुख संतुष्टि में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा और सफल होंगे। वाहन सावधानी से चलाएं और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि के जातकों के आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में इसका लाभ मिलेगा, मगर मानसिक संवेदनशीलता और विरोधियों के सक्रिय होने से योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। सावधानी अपेक्षित है। हालांकि कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। वैवाहिक प्रस्ताव सफल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए धार्मिक भावना बलवती होगी। भाग्यवश काम अच्छे होंगे। योजनाओं में चल रही मंद गति को सुधारने की आवश्यकता है। आर्थिक लाभ के लिए सहयोग बना हुआ है। रचनात्मक प्रयास की आवश्यकता होगी। पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर अमल करें, लाभ मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बनाए रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास करना पड़ेगा और बच्चों से संबंधित मामलों में चिंता बनी रहेगी। वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे और देव दर्शन के योग बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।